हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर पीटर एग्ज़ाम 2019 के लिए हैंड टूल्स चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। हेमर वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और प्राय ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिन पर ठोक पीट करनी होती है, इसलिए चोट लगाने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है जिसको हैमर कहते हैं। हैमर की बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस और बीच में आई होल बना होता है जिसमें एक हैंडल लगाया जाता है। हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इसके फेस और पेन को हार्ड वायर टेम्पर कर दिया जाता है। हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के आकार और इसकी तोल वजन के अनुसार किया जाता है। हैमर के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं, पेन, फेस, आई होल, हेड, हैंडल, वेज। प्राय निम्नलिखित प्रकार के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं, बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होती है। बॉल पेन हैमर का अधिकतर प्रयोग चीपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बॉल पेन हैमर 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। बॉल पेन हैमर प्राय हल्के कार्यों के लिए 0.33 किलोग्राम, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 किलोग्राम और भारी कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। क्रॉस पेन हैमर का अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए, सीट के जॉब को मोड़ते समय उसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार क्रॉस पेन हैमर 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर का फेस चपटा होता है, पेन इसके आई होल या हैंडल की सीध में बनी होती है। स्ट्रेट पेन हैमर का अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट के जॉब्स में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार यह 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। स्लेज हैमर। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं। स्लेज हैमर का अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। स्लेज हैमर ये तोल में वजन में प्राय 2 से 10 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। स्लेज हैमर का अधिकतर प्रयोग प्राय बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वे गर्म दशा में हो या ठंडी दशा में। सॉफ्ट हैमर। इस प्रकार के हैमर प्राय नर्म धातुओं से बनाए जाते हैं जैसे तांबा, पीतल, सीसा इत्यादि। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट्स को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है।
प्लास्टिक हैमर। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। प्लास्टिक हैमर के दोनों सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक हैमर प्राय हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। रॉ हाइड हैमर। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। रॉ हाइड हैमर के दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। रॉ हाइड हैमर का अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। मेलेट। लकड़ी के बने हुए हैमर को मेलेट कहते हैं। मेलेट ये प्राय लकड़ी के बनाए जाते हैं। मेलेट इनका अधिकतर प्रयोग सीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है। मेलेट इनका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। हैमर हैंडल। हैमर का हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है और झटकों को सहन कर लेती है। प्राय हिकरी वुड आकार या बिना गांठ वाली का प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है तथा सेंटर की ओर टेपर होता है। हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ने को चोकिंग कहते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस 49 से 56 HRC तक होनी चाहिए। अच्छे हैमर्स का उत्पादन ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा करते हैं। सी क्लैंप। यह अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का बना हुआ क्लैंप होता है जिसकी बनावट में एक स्क्रू हैंडल और फ्रेम होते हैं। स्क्रू और हैंडल प्राय माइल्ड स्टील के बने होते हैं और फ्रेम प्राय कास्ट स्टील से बना जाता है। सी क्लैंप का अधिकतर प्रयोग मार्किंग ड्रिलिंग सोल्डरिंग ब्रेंजिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। पैरेलल क्लैंप। इस प्रकार के क्लैंप को टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। पैरेलल क्लैंप की बनावट में दो जा होते हैं जिनके साथ दो स्क्रू लगे रहते हैं। पैरेलल क्लैंप प्राय माइल्ड स्टील या हार्ड कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। पैरेलल क्लैंप का प्रयोग प्राय उन पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है जो समांतर और फिनिश किए हुए हो। पैरेलल क्लैंप का अधिकतर प्रयोग मार्किंग ड्रिलिंग मशीनिंग सोल्डरिंग ब्रेंजिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। वाइस डायग्राम में दिखाया गया है। जब वर्कशॉप में जॉब को बनाया जाता है उसे अच्छे से पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वाइस कहलाता है। वाइस एक प्रकार का जॉब पकड़ने वाला साधन है जिसमें जॉब को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग मशीनिंग और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार के वाइस प्रयोग में लाई जाती है। बेंच वाइस।
बेंच वाइज का डायग्राम दिखाया गया है। बेंच वाइज इसको पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं, जिसको प्राय बेंच पर फिट किया जाता है। बेंच वाइज इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार बेंच वाइज प्राय 75 से 150 मिलीमीटर तक पाई जाती है। बेंच वाइज का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर प्राय फाइलिंग, चीपिंग, हेक्साइंग इत्यादि ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। बेंच वाइज के प्राय निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। फिक्स्ड जा, यह ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। मूवेबल जा, यह ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। जॉ प्लेट, यह टूल स्टील से बनी होती है। स्पिंडल, यह माइल स्टील से बना होता है। हैंडल, यह माइल स्टील धातु से बनी होती है। बॉक्स नट, कास्ट आयरन, फास्फोरस ब्रॉन्ज, गन मेटल आदि से बना होता है। बेंच वाइज की ऊंचाई का समायोजन, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रयोग करके बेंच वाइज की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है। वाइज के बेस के नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ वाइज पिक्चर प्रयोग करके। बेंच वाइज की ऊंचाई तब सही होती है जब बेंच वाइज का ऊपरी फेस कार्य करने वाले समीक की कोहनी के बराबर होता है, जबकि समीक बाजू को मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा है। पाइप वाइज डायग्राम में पाइप वाइज दिखाया गया है। इस प्रकार की वाइज की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जा, फिक्स्ड जा, स्क्रू स्पिंडल और हैंडल होते हैं। पाइप वाइज के जॉ प्राय वी आकार में बने होते हैं। पाइप वाइज का मूवेबल जॉ लंब रूप वर्टिकल खुलता है। पाइप वाइज में गोल आकार के जॉब आसानी से बांधे जा सकते हैं। पाइप वाइज का अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग के समय और बिजली के वर्कशॉप में किया जाता है। लेग वाइज लेग वाइज का डायग्राम दिखाया गया है। इस आकार की वाइज की एक टांग लंबी होती है। लेग वाइज को प्राय लकड़ी के मजबूत लठ या बेंच पर फिट किया जाता है। लेग वाइज के जॉ समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं। लेग वाइज का अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी शॉप में किया जाता है, जिससे इस पर गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग, बेंडिंग इत्यादि कार्य किया जाता है। लेग वाइज की बॉडी रॉट आयरन या माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। लेग वाइज का साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। हैंड वाइज डायग्राम में हैंड वाइज दिखाया गया है। जैसा कि नाम से सिद्ध है कि यह वाइज हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है। हैंड वाइज के जॉ समान अंतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं। हैंड वाइज के जॉ खोलने और बंद करने के लिए एक वीक नट प्रयोग में लाया जाता है। वर्कशॉप में हैंड वाइज का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। हैंड वाइज प्राय माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। हैंड वाइज का साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। पिन वाइज डायग्राम में दिखाया गया है।
पिन वाइज पिन चक। पिन वाइज छोटे आकार की होती है, जिसकी बनावट में एक ओर हैंडल होता है और दूसरी ओर चक। पिन वाइज के चक को घुमाकर इसमें छोटे छोटे जॉब और पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ा जा सकता है। पिन वाइज का अधिकतर प्रयोग घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। पिन वाइज प्राय माइल स्टील से बनाई जाती है। टूल मेकर्स वाइज, टूल मेकर्स वाइज बहुत ही छोटे साइज की समानांतर चौ वाली वाइस होती है। टूल मेकर्स वाइस प्राय टूल मेकर्स के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। टूल मेकर्स वाइस प्राय स्टील से बनाई जाती है। टूल मेकर्स वाइस का साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। स्पिनर्स डायग्राम में स्पिनर्स दिखाए गए हैं। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने या ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे स्पिनर कहते हैं। स्पिनर कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकिल क्रोम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील व वेनेडियम अलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। स्पिनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। स्पिनर का साइज इसके ऊपर छपा रहता है। निम्नलिखित प्रकार के स्पिनर प्रयोग में लाए जाते हैं। सेट स्पिनर डायग्राम में सेट स्पिनर दिखाया गया है। इस प्रकार के स्पिनर खुले सिरे वाले होते हैं, जिनके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। सेट स्पिनर का अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। सेट स्पिनर का प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ पर नट व बोल्ट को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो। ये स्पिनर इंचों में 1/4 इंच से 1/4 इंच तक व मीट्रिक में 6 मिलीमीटर से 32 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। सेट स्पिनर प्राय दो प्रकार के होते हैं। सिंगल एंडेड स्पिनर, इस प्रकार के स्पिनर का एक ही मुंह होता है जो कि एक निश्चित साइज में बना होता है। सिंगल एंडेड स्पिनर का प्रयोग केवल एक साइज के नट व बोल्ट को ढीला करने व कसने के लिए किया जाता है। डबल एंडेड स्पिनर का डायग्राम दिखाया गया है। इस प्रकार के स्पिनर के दो मुंह होते हैं। डबल एंडेड स्पिनर दोनों मुंह अलग अलग सिरों पर होते हैं और अक्ष से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। डबल एंडेड स्पिनर का प्रयोग दो साइज के नट या बोल्ट फिट करने के लिए किया जाता है। रिंग स्पिनर डायग्राम में रिंग स्पिनर दिखाया गया है। इस प्रकार के स्पिनर के सिरों में सुराख होते हैं और उनमें प्राय 12 नोचिस बने होते हैं। रिंग स्पिनर या नट या बोल्ट पर फिसलता नहीं है। रिंग स्पिनर के दोनों सिरे अलग अलग साइज के होते हैं। रिंग स्पिनर ये भी सिंगल एंडेड या डबल एंडेड वाले पाए जाते हैं। रिंग स्पिनर इनका प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ पर नट या बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है। रिंग स्पिनर या स्ट्रेट टाइप व क्रैंक टाइप में पाए जाते हैं। ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर यह एक खोखला पाइप होता है जो कि अंदर से षडभुज आकार में बना होता है। ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर की बॉडी पर एक आर पार सुराख बना होता है, जिसमें एक गोल सरिया डालकर इसे घुमाया जाता है। ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर का अधिकतर प्रयोग गहराई में लगे षडभुज आकार के नट
वह बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। सॉकेट स्पिनर का डायग्राम दिखाया गया है। यह स्पिनर ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर की तरह का होता है तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है। सॉकेट स्पिनर के मुंह में 12 नोचेस बने होते हैं। सॉकेट स्पिनर के दूसरे सिरे पर चौकोर सुराख बना होता है जिसके टॉमी बार हैंडल लगाकर उसे घुमाया जा सकता है। सॉकेट स्पिनर के दूसरे सिरे पर सुराख बना होता है जिसके टॉमी बार हैंडल लगाकर उसको घुमाया जा सकता है। सॉकेट स्पिनर का प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ नट या बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो और जगह कम हो और अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता हो। एडजस्टेबल स्पिनर, इस प्रकार के स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया सकता है। एडजस्टेबल स्पिनर का प्रयोग अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। एडजस्टेबल स्पिनर की पकड़ने की शक्ति अन्य स्पिनरों की अपेक्षा कुछ कम होती है, इसलिए एडजस्टेबल स्पिनर का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। एडजस्टेबल स्पिनर का साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। पिन हुक स्पिनर का डायग्राम दिखाया गया है। पिन हुक स्पिनर के एक सिरा अर्ध गोलाकार होता है जिसके सिरे में एक हुक बनी होती है। पिन हुक स्पिनर का प्रयोग गोलाकार नट पर किया जाता है जिसमें एक सुराख बना होता है। स्पिनर में दोष, क्रैंक जॉब का खुल जाना, जॉब का ख़राब होना और गोलाई में बन जाना, किनारे फट जाना, एक्सागन का ख़राब होना और गोलाई में बन जाना स्पिनर में दोष हैं। पेचकस स्क्रू ड्राइवर का डायग्राम दिखाया गया है। जिस औजार की सहायता से पेचों को कसा या ढीला किया जाता है उसे पेचकस कहते हैं। पेचकस का साइज इनकी सेंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। पेचकस की सेंक प्राय कार्बन स्टील या अलॉय स्टील की बनी होती है और उसके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ऑफसेट पेचकस को छोड़कर प्राय सभी पेचकसों के हैंडल कड़ी लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। पेचकस के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं, हैंडल, सेंक, ब्लेड। प्राय निम्नलिखित प्रकार के पेचकस प्रयोग में लाए जाते हैं। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का डायग्राम दिखाया गया है। इस प्रकार का पेचकस गोल आकार की छड़ रॉड को आगे से चपटा करके बनाया जाता है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग प्राय साधारण कार्यों के लिए किया जाता है जैसे हल्के व छोटे साइज के स्क्रू को खोलना या कसना इत्यादि। हैवी ड्यूटी ड्राइवर, इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की सेंक प्राय चौकोर आकार की होती है और उसको आगे से चपटा कर दिया जाता है। हैवी ड्यूटी ड्राइवर या दूसरे स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा बड़े साइज का होता है। हैवी ड्यूटी ड्राइवर इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। फिलिप स्क्रू ड्राइवर का डायग्राम दिखाया गया है। फिलिप स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड पर 4 फ्लूट्स कटे होते हैं जो कि फिलिप हेड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं। फिलिप स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग प्राय फिलिप हेड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का डायग्राम दिखाया गया है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री के कोण में मोड़कर चपटा बना दिया जाता है।
ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग में लाने के लिए जगह ना हो और स्क्रू फिट करने की जगह तंग हो। रेचेट स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर में एक रेचेट मूवमेंट करता है। रेचेट स्क्रू ड्राइवर में एक बटन होता है जिसे शिफ्टर कहते हैं। रेचेट स्क्रू ड्राइवर इस शिफ्टर के द्वारा स्क्रू घूम सकता है और शिफ्टर को नीचे दबाने से ब्लेड केवल दाई ओर घूम सकती है। रेचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग प्राय वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कार्य अधिक तेजी से करना हो। प्लायर्स, प्लायर्स का डायग्राम दिखाया गया है। यह एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। प्लायर प्राय कास्ट स्टील का बनाया जाता है। प्लायर के मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं, हैंडल, रिवेट, जॉस। साइड कटिंग प्लायर्स का डायग्राम दिखाया गया है। साइड कटिंग प्लायर्स को फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। साइड कटिंग प्लायर के दोनों जॉस के बीच में कटिंग एज बने होते हैं जिससे तार काटा जाता है। साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग प्राय वर्कशॉप के सभी विभागों में किया जाता है। बिजली विभाग में प्रयोग लाए जाने वाले साइड कटिंग प्लायर्स के हैंडल पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। लॉन्ग नोज प्लायर्स का डायग्राम दिखाया गया है। लॉन्ग नोज प्लायर्स के जॉस लंबे और आगे से नुकीले होते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर्स का प्रयोग प्राय तंग स्थानों पर किसी पार्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। लॉन्ग नोज प्लायर्स का अधिकतर प्रयोग बिजली मैकेनिक और रेडियो मैकेनिक द्वारा किया जाता है। स्लिप जॉइंट प्लायर्स, स्लिप जॉइंट प्लायर्स को दूसरे प्रकार के प्लायर्स की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में खोला जा सकता है, इसलिए स्लिप जॉइंट प्लायर्स बड़े साइज के जॉब को भी पकड़ सकते हैं। डायगोनल प्लायर्स, डायगोनल प्लायर का प्रयोग प्राय बिजली मैकेनिकों द्वारा किया जाता है। डायगोनल प्लायर्स बिजली के तारों को आसानी से काट सकते हैं। डायगोनल प्लायर्स एक प्रकार का स्पेशल प्लायर होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।